जाते भगत
राम की पावा। जाते भगत राम की पावे, जब को त्रास हरे, जब को त्रास हरे, कौन कर्म विद्या को कैसी, कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फोन करी, धर्म कौन फोन करी, कौन नाम गुरजा के सिमरे, कौन नाम गुरजा के सिमरे, भाव सागर को तरी, भाव सागर को तरी, भाव सागर को तरी, प्राणी कौन उपाय करे, प्राणी कौन उपाय करे, प्राणी कौन उपाय करे, कल में एक नाम कृपा निधि, कल में एक नाम कृपा निधि, जाहे जपे गत पावे, जाहे जपे गत पावे, और धर्म तके समनाहिन,
नाहिन ए विद भेद बता
प्राणी कौन उपाय करे। प्राणी कौन उपाय करे जानते भगत राम की पावे। जानते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे कौन उपाय करे। कौन करे कौन कर विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुरजा के सिमरे कौन नाम गुरजा के सिमरे भव सागर को तरे कौन उपाय करे। कौन उपाय करे जानते भगत राम की पावे। उपाय उपराला उपराला चिड़ा है। उपा लफज तो मैं एक बार अर्ज की थी इसी उपाद लफज बने हैं। मनुख कोई भी उपा तद ही करता है जदों कोई जरूरत महसूस हो। मैं संसार दे इतिहास विच वेखना जाते लोड़ ली मनुख कोई उपराला करता है जा जदों कोई डर होवे सामने उन्दे तो बचन ली कोई उपराला करता है। उपराला दा मतलब कोई उपाय करना। ते जिन्नू कोई लोड़ भी ना होवे ते कोई डर भी ना होवे ऐसा मनुख है तो कोई विरला जिन्नू कोई जरूरत कदी महसूस ही नहीं होंदी उन्हें उपाय करके की लेना उपराला की करना है। आ जिन्ना कुछ संसार अंदर मूवमेंट है सारे वक् वक् उपरालों का ही तो दृश्य है। किसी ने कोई अपने जीवन दियां लोड़ां लई उपराला कीता है किसी ने अपनी सुरक्षता लई सिक्योरिटी लई कोई उपराला कीता। आखिर तो सारा कुछ उपरालों के तहत ही हो रहा है। वक् वक् उपराले ने पर जे भला कोई खुशकिस्मती नाल ऐसा जीवन होवे जिन्हों कोई लोड़ ही ना होवे जरूरत भी महसूस ना होवे ते जिन्हों कोई डर भी ना होवे उन्हें उपराले की करने ने। एक ख्याल के हो ऐथे जितना जिक्र है ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ
आखिर तो वह समझदा मैनू इस दे बदले विच कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। मैं एक बार पिछले दिनों भी की जे मनुख नू पता लग जाए ना धर्म कर्म किते कुछ नहीं मिलता तो उन्हें विश्वास आ जाए तो संसार अंदर धर्म कर्म के जिन्ने उपराले ने वो समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं करेगा। तो गुरु ने अपनी रचना तो एक गल आख दिती, कहन लगे जेडे धर्म के खेत्र विच भी उपराले करन वाले ने उन्हां दियां जान लोड़ां ने जां उन्हां नूं कोई डर है। हुण लोड़ां मनुख दियां आम जानदा है हर मनुख, पर डर हर किसी का वक्खरा वक्खरा है, वो इको जिहा नहीं। छोटे छोटे डर भी ने, मैं कारोबार कर रहा कितने फेल ना हो जावा, सफर कर रहा कितने एक्सीडेंट ना हो जाए, पर सब तो वड्डा डर है मनुख दे सामने मौत दा। और फिर मौत तो भी वड्डा डर है जेड़ा साड़ी क्याफियां विच पा दिता बिठा दिता गया है, वो है मरण तो बाद किसे धर्मराज दे पेश होना, जमा ने लैके जाना। ऐसी गल्लां साड़े क्याफे विच ने भी जमा आउंदे ने लैके जांदे ने, बड़ी बुरी मार मरदे। सतगुरु ने बाणी विच भी इस गल दा जिक्र कर दिता, कहन लगे मैं आया डर दा मारिया, तो मैं आया शरणी आया, भरोसे आया कृपा आया, ज्यों भावे त्यों रख मेरे स्वामी मार्ग गुरे पठाया। मैं तेरे दर ते भेजिया है ते एक विश्वास दिवा के भेजिया है कि मेरी लोड़ जा मेरा डर तू खत्म कर सकना जी। तेनू डर की है, कहन लगी सुन सुन ही डराया। धर्म खेत्र विच रोज सुनना कि धर्मराजे के दरबार विच पेश होना है, वो किसी का लिहाज नहीं करता, तो सजावां दिंदा है, तो सजावां भी उस दियां बड़ियां सख्त ने, सुन सुन ही डर आया। करो धर्मराया बड़ा करड़े सुभा दा, गुरबाणी सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया गए अंध कुपाया, अंधे खूह विच नरक विच सुटदा है, पावक सगराया जिथे रत पाक दा दरिया वगदा। ऐसी गल्लां आखिर सुनाइया जांदियां ने, ते गुरु ने उन्हां दा जिक्र बाणी विच एग्जाम्पल वजो कर दिता है कि मनुख धर्म दे खेत्र विच भी डर रहा है। इन्ना डर इन्ना भरम पैदा हो गया है जिहड़ा धर्म दे खेत्र विच उपा कर रहा है। आ जिन्ने उपा हो रहे ने दान पुन दे पाठ पूजा दे, इह सारे एक ऐसे डर नाल हो रहे ने मैं धर्मराज तो बच जावां, जम तो बच जावां, ये उपराला है। लो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अज दे इस शब्द विच इस उपराले सारे दी कहानी बड़ा बाखूब सुना दिती, कहन लगे प्राणी कौन उपाओ करे,
मनुख की उपराला करे, केड़ा उपा करे। मैं एक बार की थी, उपाद ते समाद दो लफज बड़े नेड़े देने, उपाद नू त्यागना है ते समाद विच जाना है। उपाद दा मतलब उपराला, उपराले विच पैदा करना। उपराला किसे लोड़ जा डर दा प्रतीक है, ते समाद लफज बने है समाधान तो, जिवनू आपां कह देने आ भी फैसला हो गया, हुण कोई फिकर नहीं, समाधान निकल आया, जिथे हुण कुछ बाकी चिंता नहीं रही, समाद लफज उतों जन्म लैंदा। गुरु ने बाणी विच कह दिता, कहन लगे उपाद नू त्याग सहज समाद, उपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी। गुरबाणी दी तो कर मनुख सहज समाद विच जिथे आखे भी मेरा सारी चीज का समाधान हो गया, बस मैं उनके हुक्म विच जो कुछ हो रहा है वह मेरे सहज विच हो रहा है, सहज होता जाए सो होए, उहदे हुक्म विच रहण दी आदत सुभाव बना के आखे जो मालिक नूं पाएगा मैनू चंगा है, यह समाधान हो गया। फिर उपराले खत्म कर देगा। सतगुरू ने आखे वड्डे भागां वाले पुरश ने जिहड़े उपाद रहत होके समाध विच होके प्रभु नाल जुड़दे ने, अपनियां लोड़ां लई नहीं, किसी उपराले लई नहीं। जिन्ना उपराला है वह कर्म है, तो कर्म खेत्र जिहड़ा है वह तो ज्ञान तक जाता है, ज्ञान तो बाद कर्म खत्म हो जाता है। सतगुरु ने बाणी में आख्या ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास का ज्ञान भाया तो कर्म है नास। इसलिए एक ख्याल करो, गुरु कहिंदे ने उप सहज समाध विच जाना है, उपाद तो रहत होना है, वह वड्डे भागां वाला है। सहज समाध उपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी। पर इत्थे गल उपाद ही है, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अज दे शब्द विच इस उपाद की गल कर दी, कहन लगे प्राणी कौन उपाय करे। मेरे मालिक मनुख की उपराला करे, किस राम दी भक्ति करे, ओ मैनू दसो भक्ति दा तरीका, ताकि जेड़ा डर मन अंदर पैदा कर दिता है जमा दा, मौत दा, धर्म दा, धर्मराजे दा, ये हर जाए, खत्म हो जाए। जां ते भगत राम की पावे, सुनिया राम दी भगती करन वाला भावें किसे ढंग नाल कर रहा है, उनके मन विच ये है कि राम दी भगती कीतियां जमा दा त्रास, जमा दा डर खत्म हो जाता है। मैं तेरे को यह पूछना चाहना, गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं प्राणी कौन उपाव करे, केड़ा उपराला करे, जां ते भगत राम की भाव है, जम को त्रास हरे। ते हुण उपराले जेड़े दुनिया अंदर हो रहे ने उन्हां दी लिस्ट भी दे दित्ती, दसो जी मैं केड़ा करां, कौन कर्म केड़ा कम करना, विद्या कौ कैसी, केड़ी विद्या पप, केड़ा वेद शास्त्र पढ़ा, केड़ी पाठ पूजा करा, कौन कर्म विद्या कौ कैसी, धर्म कौन फुन करी, केड़ा धर्म करा। इंदा मतलब धर्म सारा इसलिए हो रहा है। कहन लगे कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम केड़ा नाम जपा, क्योंकि नाम भी वो पिछले दिनों लफ्ज़ सन, नाम भी एक नहीं रहा, हर मनुख ने, हर मजहब ने, हर कौम ने
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾ ਭੁਲਾਣੇ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਕੌਣ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਜਮ ਕੇ ਉਤਰਾਸਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇ ਜਮ ਕੇ ਉਤਰਾਸਾ ਰਹੇ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸਾ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸਾ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈ ਮੁਖ ਪੰਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਦ ਰਸ ਕਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈ ਮੁਖ ਪੰਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਿ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਮ ਦੀ ਤਰਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਮੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਦੁੱਖ? ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਹੈਂ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਔਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਾਇਆ ਬਗੂਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧਵਾਤੀ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੈ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਆ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਹੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਬਿਗੂਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਧਭਾਤੀ, ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗੱਡ ਲੇ ਮਾਟੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗੱਡ ਲੇ ਮਾਟੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਟਾਏਗਾ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਪਾਛੇ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਵੋ।
है मैनू हरी दे चरणा नाल जोड़, क्योंकि सुने है वो जन्म मरण विच नहीं आउंदा, ते जेड़ा आप जमदा मरदा वो मेरा जमदा जन्म मरण कवें मिटावेगा। जेड़ा आप जन्म मरण तो रहता है, सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने जन्म मरण दो हूं मैं नाही, जन्म मरण दो हूं मैं नाही, आवे ना जाए ना कब हूं मरते ना हो मरे ना हो वै सोग। वो मरदा नहीं, वो जमदा नहीं, बल्कि बाबा कबीर जी ने होर स्पष्ट किया, कबीर गोस्वामी ऐसो ठाकुर, कबीर गोस्वामी ऐसो ठाकुर, जाको माई न बापो रे, क्योंकि जन्म वास्ते मां बाप चाहिए ने, जन्म वास्ते मां बाप चाहिए ने, ते जे मां बाप नहीं होएगा जन्म कितों लवेगा, इसका मतलब जमदा नहीं हुंदा, मां बाप ही कोई नहीं। बल्कि कबीर जी का एक शब्द है बड़ी खूबसूरत गल, उन्दे च उन्हें आखी कहन लगे सगली थी तू पास डार रखी, अष्टमी थी गोविंद जन्मासी, काहे रे नर करत कचरायन, जन्म मरण तेरा नारायण। केडी स्पष्ट लवर, हे मनुख क्यों कच्चिया गल्ला करना है, काहे रे नर करत कचरायन, कच्चिया गल्ला क्यों करना है, झूठिया गल्ला झूठे क्याफे क्यों लगाना है। ओ भलिया जन्म मरण ते रहत नारायण, नारायण जेड़ा है रब जेड़ा है वो जन्म मरण विच नहीं आऊंगा। देखो मैं किसी दे विश्वास दा विरोधी नहीं, पर गुरमुख विच जिहड़ी गल स्पष्ट गुरु ने कही वह यह नहीं कि किसी का विरोध करने लई कही है, किसी नूं समझाण लई कही है। कहिंदे ने भलिया तू कदे रामनौमी मनाना है, कदे कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है, ते रामनौमी मनाण लग्या कोई हर्ज नहीं, किसी का जन्मदिन मनाना है मना, पर राम नौमी मनाने लगियां तू आखना भगवान राम ने जन्म लिया है, दशरथ का पुत्र भगवान है। ते बाबा कबीर कहना मैं तो यह समझे सुनिया सी भी उनका मां बाप ही कोई नहीं, कबीर को स्वामी ऐसे ठाकर जाको माई ना बापो रे, ते जिहड़ा दशरथ का पुत्र है जिंदा प्यो जिंदा पिता माँ बाप दशरथ है वो भगवान किवें होया। तू रामनौमी मना रहा है वर्त रख रहा है, पर बाबा कबीर कहने संकट नहीं पर है जोन नहीं आवे नाम निरंजन जाको रे, जिंदा ना निरंजन है निरंकार है ना विश्वास कर, ना वो कदी दुखां विच पैंदा ना वो गर्भ बसेरे विच पैंदा, ना उन्हूं अग लगा के उन्हूं जलाया जा सकता। इसलिए एक ख्याल करी जिंदा ना निरंजन है ना वो संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, सो मुख जलो इन्हें लफज सख्त कह दते
स्पष्ट कह दिते। कहन लगे सो मुख जलो जित कहे ठाकर जोनी। पिछले दिनों में आप श्री गुरु ग्रंथ साहब मूल मंत्र की विचार की थी, जिंदे विच अजूनी लफज आया है, जून तो रहत। जेड़ा मनुख जन्म लैंदा है उमरदा भी जरूर है, जो जन्मे तिस सर पर मरना, सर पर दा मतलब हुंदा जरूर। जिन्हें जन्म लेना है भावे वह दशरथ दे घर लवे हो जरूर जाएगा, ते जेड़ा जन्मदा भी है ते मरदा भी है जांदा भी है वो भगवान किवें होया। मैं एक बार अर्ज की सी भलिओ बड़े साधारण लफ्जों विच जे असी पुछिए ते आखिए कृष्ण त्रेते विच होया है ते तुसी मनोगे एकदम बोलोगे तू इतिहास नहीं पढ़िया, कृष्ण तो द्वापर विच होए ने, तेरे विच तां राम सी। ते जे असी आखिए राम द्वापर विच होया तू आखेंगे तू बड़ा भोला है, तू इतिहास पढ़िया ही नहीं, हिस्टरी जानता ही नहीं, राम तो त्रेते विच होया द्वापर विच तो होया ही नहीं है, राम द्वापर विच त्रेते विच होया द्वापर विच नहीं रहा, कृष्ण द्वापर विच होया त्रेते विच नहीं रहा। पर दुनिया के लोगों गुरु नानक कहिंदे ने मेरा राम वो है जिस दे संबंध विच सब तो पहला मैं एक गल आखी है, आद सच आद सच जो बाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। भाई गुरदास जी ने भी आख्या एक अंकार इकांग लिख बूढ़ा ओंकार लिखाया, सत नाम करता पुरख जुग जुगंतर होंदा आया। वो तो खत्म ही नहीं होंदा, ओ अविनाशी राया, ओ अविनाशी राया। बल्कि पटरा ने एक गल बड़ी स्पष्ट जी कर दी, होर कहन लगे भले हा काहे रे गुरु से बाबा कबीर जी ने भी आख्या काहे रे नर करत कचरायन जन्म मरण ते रहत नारायण। पर तू कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे, कृष्ण की जन्माष्टमी मना, पर जिंदी जन्माष्टमी मनावे ओनू भगवान ना आखे, क्योंकि जन्मदा नहीं भगवान, क्योंकि जड़ा जन्मेगा वो मरेगा भी। इसलिए सिख जन्माष्टमी नहीं मनता था। हाँ भुलिया मनुख मना लवे वक्री गल है, गुरु आखदा नहीं मैं रामनौमी नहीं मनांदा, रामनौमी मना, राम दा जन्मदिन मना, मैनू कोई इतराज नहीं, पर राम दा जन्मदिन मना लगे उन्हूं भगवान ना आखे, इहदे नाल तू भगवान दी जिहड़ी महानता है उहनूं छोटा कर रहे है, वह अविनाशी है, वह किसी का पुत्र नहीं। बाबा कबीर जी दे शब्द आया सी कि तुम जो कहते हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का को रे, तुसी आखदे हो नंद दा पुत्र है कृष्ण, हालांकि नंद दा नहीं वासदेव ते देवकी दा पुत्र है, पर जेड़ा कि देवकी ते वासदेव दा पुत्र है, जेड़ा दूजे पासे सोचिया जाए ते युधिष्ठिर दा जेड़ा भरा है, जेड़ा किसे दा पुत्र है किसे दा भरा है, वो रब नहीं हो सकता,
रब तां साधू ने बाणी विच आख्या कहन लगे सब को मात पिता सब को मात पिता प्रतिपालक सारयां दा मां बाप है क्योंकि बाप पहला हुंदा पुत्र बाद विच एहो ही लफज बाबा कबीर जी ने आके तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का को रहे ओ किंदा पुत्र है तरन आकाश दसो दिस नहीं तब ए नंद कहां थोरे जदो धरती ते आकाश नहीं सी उदो नंद किथे सी आखोगे नंद भी नहीं सी ते भगवान तो उदो भी सी अरबद निर्बद तुंदूकारा धरन गगन न जोत पारा ना दिन रहन ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाएंदा उदो भी सी ते फिर जड़ा पहला होवे ओ पिता हुंदा है जेड़ा बाद विच जन्म लवे उन्दे कोलों ओह पिता हुंदा है इसलिए अपनी रचना तो गुरु कहंदे ने एक ख्याल करी इस संसार दे जिन्ने महान देव लोग भी पैदा हुए ने मैं इन्हां दे खिलाफ नहीं पर इन्हां नूं भगवान ना आख जन्मदिन मना तू भावें रामनवमी मना ते भावें कृष्ण जन्माष्टमी मना सिख नहीं मनांदा क्योंकि इंदा रब जमदा मरदा नहीं ना इंदा रब किसे दा पुत्र है जिहड़ा जमदा है मरदा जरूर है सवैया अंदर भी एक लफज जिहड़ा आम भुलेखा पाउंदा है मैं उसनूं दोहरा दिया सवैया अंदर एक सवैया है जिंदा दोबारा दोहरावां वो है कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कहत मां जशोद जिसे दही पात खाए जियो कृष्ण की गल है क्योंकि जशोदा नंद की पत्नी ओ ही कृष्ण जी नूं दही पात खवाउंदी सी गल कृष्ण की चल रही इहदे च कोई दो रहा नहीं कहिंदे ने कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ सोभ कहत मां जशोद जिसे दही भात खाए जियो देख रूप आता नूं खुश हुंदी अपने पुत्र नूं देख के कृष्ण जी नूं देख के बड़ी प्रसन्न हुंदी उहदा रूप उहनूं बड़ा चंगा लगदा हर मां नूं अपने पुत्र दा रूप चंगा लगदा इहदे च कोई शक नहीं देख रूप अत अनूप मोह मां मग भई किंकनी शब्द झुंतकार खेल पाए जियो पर अगली तो पढ़ो कह लगे मां जशोदा अपने पुत्र नु बड़ा प्यार करती है उन्हें बड़ा चंगा लगता है उन्हें दही पात भी खवाउंदी पर एक गल का फैसला नहीं जानती कि काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके ऐथे कोई सारी गल स्पष्ट होंगी काल कलम हुक्म आते ते भी खड़ा है इसलिए दुआपर विच है त्रेते विच नहीं काल कलम हुक्म हाथ क्योंकि तीसरी लाइन है जिन्ना चिरे नाल नहीं जुड़ोगे स्पष्ट नहीं होगा काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेर सीखे इस ब्रह्म ज्ञान ध्यान धरत ही चाहे जियो इसलिए भलिया सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ओ आदि पुरख हो रहा है जेड़ा नित्रेते तो दुआपर तो सतयुग तो भी पहला सी ओ सदा तू ओ हमेशा है ते हमेशा रहेगा आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इसलिए गुरु नानक आखदा मेरा रब ओ है जिहड़ा मरदा नहीं मेरा राम ओ है मेरा भगवान है ओ है जिहड़ा जन्म जन्म मरण तो रहता है ना उनका जन्मदिन कोई मना सकता है ना उनकी कोई बरसी मनाएगा ना उनकी कभी रामनवमी होएगी ना उनकी कभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी ये अवतार आए ने अवतारों के संबंध में तो गुरु ने आख दिता कई कोट होए अवतार ये नहीं गल गुरु ने स्पष्ट नहीं किया गुरु कहते ने कई कोट होए अवतार दस अवतारी राम राजा आया गुरबाणी है
कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पसार, पर सदा सदा एक एक स्पष्ट कर दी गुरबाणी। तो फिर जे गुरबाणी दे अगे सिर झुकाण वाला, गुरबाणी आधार मनन वाला सिख भी किसी भुलेखे विच आ जाए ओ ना। सतगुरु ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने इसे लई उस सारे पहले सवालों का जवाब दो लाइनों में दिता ते कहन लगे, कल मैं एक नाम कृपा निद कल मैं एक नाम कृपा निद जाहि जपे गत और धर्म ताके समनाहिं एह वेद वेद बतावै सुख दुख रहते सदा निर्लेपी सुख दुख रहते सदा निर्लेपी जाको कहते गुसाई सो तुम ही मैं बसे निरंतर तेरे अंदर रहता है क्योंकि वो देह नहीं वो शरीर नहीं वो दर्पण विच जिमें छा हुंदी है नानक दर्पण वो तेरे अंदर इउं रह रहा जिमें शीशे विच अक्स रहता है। शीशे विच अक्स जिहड़ा है उन्हूं फड़िया जा सकता, उन्हूं गलवकड़ी पाई जा सकती? बिल्कुल नहीं। वो अक्स है। कहन लगे तेरे अंदर प्रभु इउं रहिंदा है जिवें दर्पण दे विच अक्स रहिंदा है। सतगुरु कहिंदे ने सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई नानक दर्पण न्याई नानक दर्पण न्याई प्राणी कौन उपाओ करे प्राणी भगत राम की पावे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे जम को त्रास हरे
ਬਸ ਉਪਾਅ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਸਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨਿਆਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ ਜਾਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨਿਆਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ ਪਾਛੇ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਵੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋੜ ਸਤਾਏਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਸਤਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਖ ਪੈ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਦੇ ਤਨੈ ਨ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਪੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ ਭੈ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਤਰਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚੇ ਕਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।